किसान भाई अपने खेत की बहुत अच्छी जुताई करते हैं, अच्छी किस्म का बीज बाजार से लेके आते हैं, अपनी फसल को बच्चे की तरह पालते हैं क्योंकि उसी फसल पे उनकी आजीविका टिकी हुई है, अपने परिवार के सारे खर्च टिके हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही फसल जम के तैयार होती है उसको जंगली जानवर चट कर जाते हैं। नील गाय और आवारा फिरने वाले जितने भी जानवर हैं वो किसानों के सर का दर्द बने हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे ये जानवर खेतों में घूम रहे हैं जिनसे किसान बहुत परेशान है, और अपने खेतों की रक्षा करने के लिए किसान सारी सारी रात अपने खेतों में पड़े रहते हैं। अब गेहूं की फसल किसान की तैयार होना शुरू हो जाएगी, लेकिन किसान डरे हुए हैं कि उनको सारी सारी रात खेतों में पहरे देने पड़ेंगे क्योंकि पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ, बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों से किसान परेशान रहे और रबी की सारी फसल कहीं कहीं पे तो एक ही रात में किसान के सारे खेत खराब कर दिए आवारा पशुओं ने। इसीलिए आलम ये भी रहा इस साल के जिस किसान का जल्दी खेत भी खाली हो गया उसने भी अगेती बुआई नहीं करी, उनका मानना ये था कि जब सब बोएंगे तभी हम भी बोएंगे, नहीं तो हमारा खेत पहले तैयार हो जाएगा और सारे के सारे जानवर हमारे खेतों में आ जाएंगे और हमारा जो खेत है वो बिल्कुल ख़राब होना निश्चित है। फिर ये भी सच है कि ये पशु हमारे द्वारा ही छोड़े जाते हैं, नील गायों से इतना परेशान नहीं है किसान जितना घरेलू जो जानवर है जिनको छोड़ दिया गया है। अब मान लीजिए कोई गाय बेकार होगी उसको छोड़ देंगे, अगर किसी गाय ने बछड़ा दे दिया उसको छोड़ देंगे, बछिया को तो एक बार रख भी लेते हैं, अगर वो समय पे जो है दूध देना प्रारंभ नहीं करती उसको भी छोड़ देते हैं, जैसे ही गाय कोई खराब हो जाती है उसको भी छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सच है, लेकिन अगर छोड़ने वालों से बात करी जाए उनके अपने ही तर्क हैं कि भाई इतने जानवरों को हम नहीं चारा खिला सकते, हर साल मान लीजिए मेरे पास दो गाय हैं दो बछड़े हो जाते हैं, कहाँ तक मैं इनके लिए चारे की व्यवस्था करूँगा, या अब जब ये गाय खराब होगी इसको लेने वाला कोई नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। जितना डीप जितना अंदर जाएंगे, कभी छोड़ने वालों का पक्ष अच्छा लगता है भारी लगता है, कभी किसानों का पक्ष भारी लगता है। सरकार की अपनी योजना है इस बारे में, बहुत सारी गौशालाएं भी खोली जा रही हैं, लेकिन सच ये है कि जितनी तेज़ी से ये जानवर पैदा होते हैं हमारे घरों में उस हिसाब से किसान भी इनको अपने घर में रख नहीं सकता, इनका व्यापार ज़रूरी है, चाहे वो दूध के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, अगर व्यापार नहीं होगा बिल्कुल बंद हो जाएगा तो इतना पशु कहाँ जाएगा, सारी समस्या यहाँ से जुड़ी है। नहीं तो एक भी खेत में कहीं पे भी मुझे आज तक भैंस का बच्चा नहीं दिखाई दिया, ज़्यादातर गाय ही परेशान होती घूम रही हैं, गाय के बच्चे ही परेशान हो रहे हैं। आलम ये तक है कि जो बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा होता है उसको कुत्ते तक खा जाते हैं खेतों में, इतने छोटे छोटे बच्चों को लोग छोड़ने लगे हैं, ये बहुत दुख की बात है। जहाँ तक हो सके अपने घरों में ही हमें इन्हें रखना चाहिए, इनकी देख रेख करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर एक गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उसको बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो तार बंदी ही इसका एक सटीक उपाय है, लेकिन इसमें खर्च बहुत आता है, सब किसानों के खेत एक जगह नहीं है, किसी के आधे कहीं है किसी के आधे कहीं है, तो कहाँ तक तारबंदी करवाएं। दूसरा एक चीज़ हो रहा है, इस पे गवर्नमेंट रोक भी लगा रही है, तारबंदी भी आप नहीं करवा सकते, मैंने खुद न्यूज़ पढ़ी है कि उसमें जानवर फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, कई जानवर मर भी जाते हैं, तो तारबंदी पे भी रोक है और ऊपर से इसमें खर्च भी बहुत है। तो इसके लिए किसान भाइयों एक नुस्खा मैंने तैयार करा और जिसके बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं, फसल पे भी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसान भाइयों इसको हम बहुत ही कम खर्च में अपने घर पे बना सकते हैं। अगर हम शुरुआत में छोटी फसलों में इसका छिड़काव कर दें तो हमारी फसल पे कम से कम 20 दिनों तक कोई भी जंगली जानवर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही बुरी दुर्गंध आने लग जाती है और 20 दिन तक तो कोई भी पशु इसके पास भी नहीं जाएगा खाने के लिए, और फिर हमारी फसल बड़ी हो जाती है। अगर इसके दो स्प्रे कर दिए जाएं 20-20 दिन के 25 दिन के अंतराल पे, तो हम अपनी फसल को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों इसके लिए आपको 1 किलो तम्बाकू लेना है, 2 किलो नीम की पत्ती लेनी है, 4 किलो छाछ लेनी है,
एक किलो प्याज लेने हैं किसान भाइयों, ये चार चीज़ें हो गई, और इसमें 20 लीटर पानी में, 20 लीटर पानी में आपको ये चारों चीज़ें 48 घंटे के लिए रखनी है। अब इसमें पांचवी चीज़ एक और ऐड करनी है किसान भाइयों, गोबर। वो गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, या किसी भी जानवर का आप गोबर इसमें मिला सकते हैं 5 किलो। तो ये पांच चीज़ें हैं किसान भाइयों, गाय का गोबर 5 किलो, 1 किलो प्याज, 4 किलो छाछ, 2 किलो नीम की पत्ती और 1 किलो तंबाकू। अब इसको 20 लीटर पानी में डालने से पहले आपको जो प्याज है 1 किलो उसको कूट लेना है। कूटने के बाद दरदरी कूटना है, बिल्कुल चटनी नहीं बनानी, चाहे तो आप चटनी भी बना सकते हैं। और किसान भाई जो नीम के पत्ते हैं उनको भी आपको कूट लेना है। कुटाई करके आप 48 घंटे के लिए ये पांचों चीज़ें इस पानी में रख दीजिए, 20 लीटर पानी में, और इसको फिर आपको छानना है 48 घंटे के बाद। बहुत ही बुरी बदबू इसके अंदर से आएगी किसान भाइयों, जिस भी पत्ते पे ये डल जाती है 20 दिन तक इसके पास जानवर तो क्या इंसान भी नहीं जा सकता, बहुत ही बुरी बदबू आती है इसके अंदर से। और गोबर के कारण, प्याज के कारण और तंबाकू के कारण किसान भाइयों, और नीम की पत्ती के कारण इसमें इतना ज़बरदस्त कड़वापन आ जाता है कि कोई भी जानवर आपकी फसल को फिर नहीं खाएगा। प्रति एकड़ ये 20 लीटर पानी आपको स्प्रे में लगा देना है। इसके लगाने के बाद 20-25 दिन तक आपकी फसल को कोई भी दिक्कत जंगली जानवरों से नहीं होगी, नील गाय से या जो भी चार पैर के जानवर हैं जो घास खाते हैं, जो आपकी फसल को खाते हैं, उसमें चाहे गाय हो, बछड़े हों, या नील गाय हो, हिरण हो, कोई भी पशु आपकी फसल को नहीं खाएगा। अब ये 20 लीटर पानी आपको 6 से 7 टंकी में लगाना है। किसान भाइयों मान लीजिए आप 5 बीघे खेत में 7 टंकी लगाते हैं 20-20 लीटर वाली, तो 140 लीटर पानी हो गया। अब उस 140 में आपको ये 20 लीटर ऐड करना है, यानी कि 120 लीटर पानी में 20 लीटर ये वाला जो घोड़ा आपने तैयार करा ये डालना है। अब आप इसको कैसे डालते हैं वो आपके ऊपर है। मान लीजिए 7 टंकी है तो एक टंकी में आप 3 लीटर घोलिए डाल देंगे तो लगभग आपके खेत की पूर्ति हो जाएगी। आपको ये देखना है कि कितनी टंकी आप अपने खेत में लगाने वाले हैं, उस हिसाब से ही आपको ये 20 लीटर घोल अपने 5 बीघे खेत में स्प्रे करना है। किसान भाइयों इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान नहीं होगा। तंबाकू जो हम इस्तेमाल करेंगे इससे बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं छोटी छोटी वो हमारी फसल में लेने लगेंगी। नीम की पत्ती से हमें हल्की नाइट्रोजन भी मिलती है और इससे भी फंगस भी भागती है। और किसान भाइयों छोटी छोटी बीमारियों में ये भी बहुत अच्छा काम करता है नीम की पत्ती का रस। और किसान भाइयों छाछ हमारी फसल में ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है। किसान भाइयों जो गोबर है उसके अंदर से भी बहुत सारे जीवाणु हमारी फसल पे जाएंगे, बैक्टीरिया हमारी फसल पे स्प्रे होंगे, उसका भी हमें फ़ायदा मिलता है। तो इससे नुकसान कुछ नहीं है, केवल एक बहुत ज़बरदस्त बदबू आपके खेत से आने लगेगी। 20-25 दिन तक प्रोटेक्शन आपके खेत को मिल जाएगी। धन्यवाद।